बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम एंड रेडी फॉर योर न्यू इंग्लिश लेसन. सो यू विल ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक एट पेज नंबर 44. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज आवर टुडेज टास्क. रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो व्हाट इज आवर टास्क टुडे? आज का हमारा टास्क क्या है? रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. दैट मीन्स कि हमने ये जो स्टोरी हमें दी गई हम उसे रीड करेंगे एंड देन जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पे दिए नीचे दिए गए आपने उनको फिल करना है. ठीक है, सो रीड अलॉन्ग विद मी. जैसे मैं रीड करूँगी आप भी उसके बाद रिपीट करिएगा ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए. इट्स अ रेनी डे. इट्स अ रेनी डे, यानी कि ये रेनी डे है, यानी कि बारिश वाला दिन है. और आप पिक्चर में देख सकते हो कि बारिश हो रही है. ठीक है, फादर इज गोइंग टू द मार्केट विद अली. बारिश हो रही है और फादर जो हैं वो मार्केट जा रहे हैं किसके साथ? अली के साथ. द पेट डॉग इज रनिंग विद देम. और उनके साथ कौन है? उनका पेट डॉग, वो क्या कर रहे हैं? रनिंग विद देम, वो भी उनके साथ भाग रहा है. बारिश हो रही है ना इसलिए. हिज नेम इज प्लूटो. और हमारे यहाँ पे जो पेट डॉग है उसका नाम क्या है? प्लूटो. हमारे साथ पिक्चर में कौन कौन है? फादर, अली एंड प्लूटो. फादर हैज एन अम्ब्रेला. फादर के पास क्या है? अम्ब्रेला. अली हैज कवर्ड हिज हेड विद द बुक. फादर के पास तो अम्ब्रेला है रेन से बचने के लिए, और अली ने अपने आप को कैसे बचाया हुआ? उसने अपने सिर के ऊपर किस चीज को कवर किया हुआ है? किसके साथ कवर किया हुआ है? बुक के साथ. ठीक है, तो ये तो हमारी होगी स्टोरी कंप्लीट. अब देखते हैं कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कंप्लीट करनी है. सो फॉर दैट यू विल टेक आउट योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विद मी. ओके, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक. फादर इज गोइंग टू द, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ जाते हैं. फादर इज गोइंग टू द मार्केट. फादर कहाँ जा रहे हैं? मार्केट. तो आपको आंसर जो है वो ऊपर से मिल जाएगा. जैसे कॉम्प्रिहेंशन आपने पहली वीडियोस में देखा होगा, हम कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन जो है उसका आंसर ऊपर से पैराग्राफ से ढूंढते ना, बिल्कुल ये वैसी है. बस इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है. The dog's name is, what is the dog's name? Pluto. So आप यहां पर लिखोगे P capital, इसलिए लिखेंगे क्योंकि it's a name. Father has a dash. Father has an umbrella. बिल्कुल same sentence है यहां पर. So आप यहां पर उसे लिखेंगे Father has an umbrella. Next, Ali has covered his head with the, Ali has covered his head with the book. बिल्कुल सेम सेंटेंस है, आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए. It is a rainy day. जो सबसे पहला सेंटेंस है वो यहाँ पे सबसे लास्ट पे है. So it is a rainy day. Okay. आई हो आपने मेरे साथ मिलके ही कंप्लीट कर लिया होगा. तो आज हमने क्या किया? हमने स्टोरी रीड की और फिर नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को हमने स्टोरी की हेल्प से फिल किया. आई होप आप भी अपनी वर्कबुक में इसे नीटली जो है वो पहले नीटली राइट करेंगे, और उस राइटिंग से पहले आपने इसकी रीडिंग करनी है. ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए आप कर क्या रहे हैं. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.